दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा इमाइनेंट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये कुछ बताऊंगा जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। आपको पता है कि जो यूरोपीय थे वो भारत में शुरू से आ रहे थे और लगभग अपना व्यापार, सबसे पहले उनका तो सिद्धांत ये था कि हमें भारत में व्यापार फैलाना है। धीरे धीरे उनका सिद्धांत बदलता गया, वो व्यापार फैलाते गए। उनके दिमाग में अब ये चल रहा था कि हम यहाँ से धन ले लेके जाएँ और अपने भारत को, अपने देश को संपन्न बनाएँ। तो वो अपना पहले व्यापार फैलाए, फिर धीरे धीरे करके साम्राज्य फैलाने लगे। तो पूरी रियासतें यानी जहाँ जहाँ थे पूरा फैलने लगे वो, फिर धीरे धीरे विदेश की ओर जाने लगे कि अब यहाँ भी हथियार लें। तो ऐसा करके यूरोपीय यात्री लगभग फैल रहे थे पूरे साम्राज्य में अपने। तो उनके आने का जो क्रम था, एक आर्डर था, उसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो इसे आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डेड फंसा। पुत्र से हो गया अपना पुर्तगाली जो 1498 में आए थे, उसके बाद अ से हो गया अंग्रेज जो 1600 में आए थे, फिर ड से हो गया अपने डच जो 1602 में आए, फिर डैड यानी डैनिश 1616 में आए, फिर फंसे हो गए अपने फ्रांसीसी जो 1664 में आए, फिर लास्ट में आए स से स्वीडिश जो 1731 यानी 1731 में आए थे। ये पूरा एक अपना ऑर्डर है जो यूरोपीय यात्री आए थे अपने भारत में व्यापार करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना हो तो क्रमशः पढ़ने में हमको भूल जाता है, रिकैप नहीं कर पाते हम, उसको रिवाइज नहीं कर पाते टाइम टाइम से, तो हमको लगभग कन्फ्यूजन बना रहता है। अब अगर ट्रिक पढ़ लेंगे, पुत्र अड़ा डेड फंसा, तो क्लियर बता देंगे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, तो अपने धीरे धीरे फिर ये सन भी याद हो जाएगा। आप रिवाइज करते रहेंगे बार बार, तो इसे आप आराम से देखें और रटें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे मेन बात आप कमेंट के माध्यम से हमको ये बताएं कि किस चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो उसका हम बनाने का प्रयास करेंगे। और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।